Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new on my YouTube channel, my name is Pool. So guys, today video is going to be a new launch. आज का वीडियो है वो एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के ऊपर है. कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे न्यू लॉन्च था एम कैफिन का ब्राइटनिंग फेस वॉश, 1% कोजिक एसिड ब्राइटनिंग फेस वॉश. रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया था, तो मैंने आपको उसी वक्त बताया था वीडियो में कि उसी रेंज में से ब्रांड ने सनस्क्रीन भी लॉन्च की है, और आपको ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका रिव्यू करने वाली हूँ. तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है. तो आज का वीडियो है न्यूली लॉन्च एम कैफे 1% कोजिक एसिड अल्फा आर्बुटिन डेली ब्राइटनिंग सनस्क्रीन. आप देख सकते हो मेरे पास है ये सनस्क्रीन. तो मैंने उस वीडियो में आपको ये भी एक्सप्लेन किया था, जो एम कैफिन ने जो न्यू रेंज लॉन्च की है उसमें उन्होंने जो कलर रखा है ना प्रोडक्ट का, वो कुछ इस तरह का पिंक कलर का रखा है. तो बेसिकली जो सनस्क्रीन है ना, आपकी स्किन को ब्राइट अप करने में हेल्प करे. अगर आप मेरा भी फेस देख पा रहे होंगे, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना स्किन केयर फॉलो किया है, उसके बाद लास्ट में इसी सनस्क्रीन को लगाया है. सीरियसली ये ब्राइटनिंग सनस्क्रीन है, और इसके साथ ही कुछ अदर भी क्लेम किए गए हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूं. कुछ दिनों से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे को, और उनके कमेंट्स मुझे वैलिड भी लगते हैं. तो इस तरह के आते हैं कि जैसे कोई हेयर सीरम है या कोई फेस वॉश है और कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट है, तो लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप रिव्यू कर देते हो, क्यों ना आप इसको 14 डेज या मंथ्स यूज करके आप रिव्यू कीजिए. यू आर राइट, बट क्या है ना कि मेरा जो चैनल है बेसिकली उसके ऊपर है जो मार्केट में न्यू लॉन्च स्किन केयर हेयर केयर मेकअप आते हैं ना, उसके बारे में अवेयर कराना आप सभी को, जिसे आपको पता लगे यस अगर ये वाला एक प्रोडक्ट है इस ब्रांड ने लॉन्च किया है और वो क्या क्या क्लेम कर रहा है, क्या क्या बेनिफिट्स है. उसके बाद आप पे डिपेंड्स करता है कि आप उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहें या ना. तो ये सनस्क्रीन है, ये आपकी स्किन को ब्राइट अप करने में हेल्प करेगी. इसके अंदर SPF 50 PA 4+ है, एंड ये मिलती है आपको अराउंड 50 ml की क्वांटिटी. मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगी ये सनस्क्रीन कितनी अच्छी है, और इसे यूज करने के बाद ब्राइटनिंग स्किन आपको मिलती है, उसके अलावा और क्या क्या इसको लगाने के बाद बेनिफिट्स आपको स्किन में देखने को मिलेंगे. वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी यूजफुल, तो वीडियो का अंत जरूर देखें, बिकॉज अगर आप बीच बीच में देखेंगे वीडियो को, तो वीडियो का जो फुल डिटेल है ना, फुल इन्फॉर्मेशन है, आपको कभी नहीं मिल पाएगी. तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल देखिए. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह की ढेर सारी वीडियो मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ, न्यू लॉन्च एंड अदर मेकअप वीडियोस, हेयर केयर वीडियो. एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे और रियली में मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं. तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करें. इस सनस्क्रीन का जो MRP है वो है 499 rupees. अगर आपको खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं. इट हैज 1% कोजिक एसिड जो आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करेगा एंड फाइट करेगा सन पिगमेंटेशन. सन पिगमेंटेशन क्या होता है, जो सन की रेज की वजह से आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन हो जाती है उनसे भी ये फाइट करेगा एंड इम्प्रूव करेगा आपकी स्किन में ग्लो. डेली में इसे यूज करने के बाद स्किन में आपको एक ग्लो, इसको यूज करने के बाद आपको स्किन में एक ग्लो भी दिखेगा, बिकॉज ऐसा नाम रखा गया है, दिस इज अ डेली ब्राइटनिंग सनस्क्रीन. तो रियली में ये ब्राइट तो जरूर करती है. इसके अलावा जो डार्क स्पॉट्स हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, उसके लिए आपको डेली यूज करना पड़ेगा, तभी आपको एक विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा. इट हैज 12 hour UVA, UVB एंड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन विद SPF 50 PA 4+. ये सनस्क्रीन ना आपको 12 घंटे मतलब 12 आवर्स तक आपको हार्मफुल UVA, UVB रेज से आपको प्रोटेक्ट करेगा, प्लस आपको ब्लू लाइट रेज से भी प्रोटेक्ट. ब्लू लाइट रेज आपको डेफिनेटली पता ही होगा, बिकॉज हर वीडियो में मैं बताती हूँ, जब भी सनस्क्रीन की मैं बात करती हूँ, जो ब्लू लाइट रेज होती है वो होती है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आती है, जो आपकी मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, टेलीविजन भी हो सकता है, और ये आर्टिफिशियल जो लाइट है जिसके सामने में लोग शूट करते हैं, जैसे अभी जो मेरे फेस के सामने है वो आर्टिफिशियल लाइट्स है, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनसे भी हमको एक रेज आती है स्ट्रॉन्ग, जिससे हमारी स्किन डैमेज हो जाती है. एंड इट मेक्स योर स्किन इवन आउट एंड ब्राइट. ये आपकी स्किन को इवन आउट करने में हेल्प करेगा और ब्राइट बनाने में हेल्प करेगा. एंड इट हेल्प टू रिड्यूस हिज डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन. ये आपकी स्किन से सन पिगमेंटेशन हो गया, डार्क स्पॉट्स हो गया, उन्हें भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. एंड इट ऑल्सो रिड्यूस सन स्पॉट्स एंड रिपेयर यूवी डैमेज. मतलब जो हार्मफुल UVA, UVB रेज होती हैं, स्ट्रॉन्ग रेज होती हैं, उनसे आपको सन पिगमेंटेशन हो जाता है, सन स्पॉट्स हो जाते हैं, उनसे भी आपको बचाएगा, उन्हें भी कम करने में हेल्प करेगा. इसके साथ ही रिपेयर करेगा यूवी डैमेज से, मतलब जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं उस वजह से आपका स्किन अगर डैमेज हो गया है तो उसे रिपेयर करने में हेल्प करेगा. स्किन के टेक्सचर की बात करूँ तो टेक्सचर इसका देखने में आपको थिक लगेगा,
क्रीम की जैसा लगेगा, जैसे कि हम नॉर्मली एक मॉइस्चराइजर स्किन पे लगाते हैं, बट रियली में ये बहुत ही फास्ट स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। और मुझे पता है क्या अच्छी लगी इसकी बात, इसके अंदर कोई व्हाइट कास्ट नहीं है, बिकॉज बहुत सारी सनस्क्रीन अब ऐसी आ चुकी है मार्केट में जो व्हाइट कास्ट नहीं देती। जब आप इस सनस्क्रीन को अप्लाई करोगे ना, तब आप देखोगे बहुत जल्दी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है और रियली में स्किन में ग्लो दिखता है और एक ब्राइटनेस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। दिस सनस्क्रीन इज वेरी वेरी लाइट वेट एंड वाटर रेसिस्टेंट। ये वाटर रेसिस्टेंट भी है और लाइट वेट भी है, जो आपकी स्किन को बिल्कुल स्टिकी नहीं बनाएगी। एंड दिस इज अ फ्रेग्रेंस फ्री, ये पूरी तरह से फ्रेग्रेंस फ्री है, इसके अंदर आपको किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी। इट हैज 1% नाइसिनामाइड, 1% कोजिक एसिड एंड अल्फा अर्बुटेन। इट हैज 1% नाइसिनामाइड, जो क्या करेगा आपकी स्किन से ब्लेमिशेस को फेड करने में हेल्प करेगा और उसके साथ ही पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इसके अंदर जो 1% कोजिक एसिड है वो आपकी स्किन को ब्राइट एंड इवन आउट करने में हेल्प करेगा एंड रिड्यूस करेगा हाइपर पिगमेंटेशन। इसके अलावा इसके अंदर अल्फा अर्बुटेन है, जो ट्रीट करेगा आपकी स्किन से हाइपर पिगमेंटेशन एंड आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस को दूर करने में हेल्प करे। सनस्क्रीन के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, बिकॉज अगर आपने अभी तक अपने स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन को नहीं ऐड किया है, या फिर आप उन लोगों में से सनस्क्रीन डेली नहीं लगाते हैं, तो मैं आपको बोलूंगी सनस्क्रीन डेली यूज की। यू कैन टेक अ सफिशियंट अमाउंट ऑन योर पाम, उसके बाद आपको इवनली अपने पूरे फेस पे नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, ये लाइट वेट है और बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड आप इसे चाहे तो बॉडी पे भी लगा सकते हैं, मतलब आपके हैंड्स हो गए, आपके लेग्स हो गए, जो भी आपका एक्सपोज एरिया है वहां पे भी आप इसे लगा सकते हैं। इसके साथ ही जब अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो 15 मिनट्स पहले आपको अपने फेस पे लगाना है, और अगर आप घर पे बैठे हैं तो जब अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे देन एंड में आपको इस सनस्क्रीन को लगाना। यू कैन री अप्लाई दिस सनस्क्रीन, मतलब जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो हर 2 से 3 घंटे बाद आप इसे री अप्लाई भी कर सकते हैं। एंड दिस सनस्क्रीन हैज नो सिलिकॉन, नो पैराबेन, नो फ्रेग्रेंस एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अगर आपका स्किन ड्राई है तब भी आराम से सूट करेगा। अगर बात करूँ तो ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन की, जैसे मेरा तो स्किन कॉम्बिनेशन है, टी जोन मेरा बहुत ज्यादा ऑयली रहता है, एक्ने भी कभी कभी हो जाते हैं, तो मेरे को तो कभी ऐसा कुछ नहीं फील हुआ कि मेरी स्किन पे नहीं सूट कर रहा है, अच्छे से सूट कर रहा है। पंखा बंद करके मैं बैठी हूँ और रियली में इसको लगाने के बाद ना ही मुझे कोई स्वेटिंग फील हो रही है। तो रियली मैं कह सकती हूँ कि ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में बहुत ज्यादा एक्ने वगैरह होते रहते हैं या बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसके लिए आप पेस्ट टेस्ट कर ले, बट इफ यू वॉन्ट तो आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते। एंड यू आर रियली नीड अ सनस्क्रीन जो आपकी स्किन को ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाए, तो डेफिनेटली दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन। आप इसको यूज कर सकते हो, रियली स्किन में ग्लो आता है, जो मैंने पर्सनली फील किया। आपको बोलूंगी इफ यू वांट तो एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। दिस इज अ न्यू एडिशन और अभी एम कैफे इतने सारे न्यू एडिशन लेके आ रहा है कि आई कांट एक्सप्लेन। तो इफ यू वांट तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपने इसका 1% कोजिक एसिड न्यू लॉन्च फेस वॉश ट्राई किया है और आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, तो आप इस सनस्क्रीन की तरफ भी जा सकते हो। होप आपको आज का वीडियो रियली में हेल्पफुल लगा होगा, और आपको कुछ भी पूछना है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और मुझे फॉलो करना ना भूले इंस्टाग्राम पे, आई एम वेरी वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइज आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से वीडियो के साथ एंड न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।